नमस्कार दोस्तों, सबसे बिस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, आज 30 जून है। 30 जून को इस डेट का लगभग 10 लाख छात्र छात्राओं को बेसब्री से इंतजार था कि कब रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोस्तों जो CUET एग्ज़ाम है अंडर ग्रेजुएट्स में एडमिशन्स के लिए, आप देखेंगे 15 मई से लेकर 30 मई के बीच में डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। अब स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन दोस्तों NTA जो है, NTA ने सबसे पहला आप पॉइंट देखेंगे प्रोविजनल आंसर की। अभी तक ये रिवाज रहा है कि फाइनल रिजल्ट से पहले NTA जो है प्रोविजनल आंसर की जारी करता है, फिर उसके बाद 2 से 3 दिन स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि आप 2 से 3 दिन अपनी प्रोविजनल आंसर की को चेक कीजिए। अगर आपको उसमें कुछ गड़बड़ी लगती है और तो फिर आप उसके अगेंस्ट में जाकर आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिव्यू होगा, रिव्यू के बाद अगर करेक्ट होता है तो फिर आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। लेकिन दोस्तों NTA ने इस बार क्या किया, कोई प्रोविजनल आंसर की उसने नहीं दी, डायरेक्ट उसने क्या किया, रिजल्ट का डेट दे दिया और ये एक्सपेक्टेड डेट थी 30 जून। अभी तक दोस्तों रिजल्ट आ जाना चाहिए था, क्योंकि जैसे कि अभी तक ट्रेंड रहा है लास्ट ईयर को अगर हम कंपेयर करें, लेकिन अभी तक ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि जो CUET UG एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला है। अब दोस्तों एक नया एक्सपेक्टेड डेट दे दिया गया है, 7 जुलाई। 7 जुलाई को बोला जा रहा है कि ये एक्सपेक्टेड डेट है जो CUET UG एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन दोस्तों NTA जैसे आप देखेंगे अभी नीट एग्जाम्स की वजह से काफ़ी चर्चाओं में रहा है, तो CUET एग्जाम्स में भी अगर आप देखेंगे पिछले 15 दिनों मई में जो 15 दिन लगातार पेपर्स चल रहे थे, उस टाइम भी दोस्तों NTA लगातार क्या कर रहा था, एग्ज़ाम कैंसिल कर रहा था, डिफरेंट सेंटर्स के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर रहा था। जैसे दिल्ली में यही हुआ, उसने उसमें लिखा था अपरिहार्य कारणों से, उसमें कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया था कि किस कारण से CUET का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये स्पेसिफिक रीज़न देना NTA को ज़रूरी था, लेकिन वहाँ पर इस तरीके का कोई रीज़न नहीं दिया जाता है और एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद प्रोविजनल आंसर की के पॉइंट पे आते हैं। लगातार NTA क्या कर रहा था, प्रोविजनल आंसर की दे रहा था, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए 2 से 3 दिन दे रहा था, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, ना तो प्रोविजनल आंसर की आ रही है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट की डेट थमा दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट दे रहा है, रिजल्ट का डेट डिक्लेयर कर रहा है, वहाँ भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, उसके बाद भी पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों NTA CUET एग्जाम्स को लेकर क्या कर रहा है, ये तो फाइनली हम रिजल्ट आने के बाद ही बता सकते हैं। आप जैसे स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे कि CUET एग्जाम्स में आपके किस तरीके के मार्क्स आपने गेन किए, और फिर उसके बाद अगर आंसर की आता है फिर हम उसको मैच करके उस पर फाइनली डिस्कशन करेंगे।